आज से 55 साल पहले एक वीडियो क्लिप फॉरेन में एक एनिमल टेलीविजन शो में दिखाया गया। इसमें दिखाया गया कि बकरियों का एक झुंड एक चट्टान की चोटी से निंजा स्टाइल में कूदते हुए बिना रुके ही उबड़ खाबड़ रास्ते से भागते हुए आगे की ओर निकल जाती हैं। ये देखने में बहुत विचित्र और अनबिलीवेबल सा लगता है। ऐसा डेंजरस स्टंट किसी जानवर द्वारा किया जाना काफ़ी हैरान कर देने वाला था। और क्या आपको पता है, ये जानवर कोई और नहीं बल्कि जंगली पहाड़ी बकरियां थीं। और तभी से पहाड़ी बकरियों ने जीव वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। अगर हम सांप, बिल्ली या तेंदुए जैसे जानवर को पेड़ या चट्टानों पर चढ़ता देखते हैं तो हमें आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि इन जानवरों का पेड़ों और चट्टानों पर चढ़ना हमारे लिए आम बात है। लेकिन जब किसी बकरी या इसी की कोई प्रजाति को हम पेड़ों या खतरनाक चट्टानों पर चढ़ता देखते हैं तो हम दंग रह जाते हैं, क्योंकि ये बेहद खतरनाक चट्टानों पर तो चढ़ती ही हैं, साथ ही चट्टान के एकदम किनारों पर भी आसानी से बिना डर के बैठी रहती हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये बकरियां इतना जोखिम लेके ऐसा क्यों और कैसे करती हैं। दोस्तों, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर जानवर अपने भोजन के हिसाब से ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ से वो आसानी से अपना भोजन पा सके। बहुत से जीवों को अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तरह तरह के न्यूट्रिशंस की ज़रूरत पड़ती है, और उन्हीं में से एक मिनरल है सॉल्ट। जैसा कि आपने देखा होगा, नमक अक्सर शाकाहारी जानवरों जैसे घोड़ा, गाय और अन्य पालतू जानवरों को दिया जाता है, क्योंकि इससे उनकी पाचन क्रिया सही रहती है और जानवर तंदुरुस्त रहते हैं। जंगली जानवरों को ये मिनरल्स प्रकृति से लेने पड़ते हैं। ये आइबेक्स है। ये ऊँची ऊँची खड़ी चट्टानों और पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं जहाँ इनके शरीर के लिए बेहद ज़रूरी एसेंशियल मिनरल्स मिलते हैं। जब ये बकरियाँ इन चट्टानों पर चढ़ती हैं तो इन पत्थरों को चाटती हैं। इन पत्थरों के महीन कण में कई तरह के मिनरल्स मौजूद होते हैं जो इन बकरियों के सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये इतने खतरनाक तरीके से बिना डरे कैसे चढ़ जाती हैं। दरअसल इनके पैरों में जो खुर होते हैं वो बाहर से सख्त और अंदर की तरफ से नरम होते हैं, जो पत्थरों और चट्टानों में बहुत अच्छी पकड़ बनाते हैं। साथ ही बकरियों के खुर दो भागों में बटे होते हैं, जिससे कि बकरी का वजन डिवाइड होकर फैल जाता है, जिससे कि इस बकरी को तंग चट्टानों पर खड़े रहते या चलते फिरते वक्त मजबूत पकड़ मिलती है। पहाड़ी बकरियां असाधारण रूप से संतुलन बनाए रखती हैं। वे लंबी छलांगें लगाती हैं और ऐसे कगार पर पहुंच जाती हैं जहां उनके चारों पैरों को एक साथ रखने के लिए मुश्किल से जगह मिलती हो। दोस्तों, कई बार इन्हें किसी पहाड़ी के एकदम किनारे पर भी बैठा हुआ देखा जा सकता है। ये इतना अद्भुत और डरावना होता है कि शायद ही कोई और जानवर ऐसा करने की कोशिश करता होगा। लेकिन बकरियों की प्रजातियों को तो मानो ऊंचाई से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बट गाइज, ये ऐसा करती क्यों है? तो कुछ इथोलॉजिस्ट यानी वो वैज्ञानिक जो जानवर के बिहेवियर को स्टडी करते हैं, उनका मानना है कि ये थोड़ी शर्मीली मिजाज की होती हैं और इन्हें एकांत ज़्यादा पसंद होता है, और इसीलिए ये ऐसी जगह तलाश करती हैं जहाँ कोई दूसरा जानवर आसानी से ना पहुँच सके। ऐसी पथरीली और खड़ी चट्टाने और उबड़ खाबड़ पहाड़ों पर इन बकरियों का राज चलता है। ये बिना किसी रुकावट के यहाँ दौड़ सकती हैं, कूद फान कर सकती हैं, और इसीलिए खतरनाक जगहों पर बाकी शिकारी जानवर इन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, फिर चाहे वो कोई भालू हो या कोई लोमड़ी। दोस्तों, प्रकृति में हर जीव जंतु अपने आप में बहुत खास है, और हर जीव में कुछ न कुछ ऐसी स्किल्स जरूर होती है जिसे देखकर हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को ज़रूर मिला होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।